हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पिंकीज स्पार्क। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन से भरपूर पंच मील दाल। बहुत ही आसान और हेल्दी होती है, तो चलिए पंच मील दाल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 5 तरह की दालें ले ली हैं: धुली उड़द, चना दाल, छिलके वाली मूंग दाल, अरहर या तुअर की दाल और धुली मसूर। धुली मसूर की जगह आप छिलके वाली मसूर भी ले सकते हैं। और ये सब दालें मैंने 2-2 टेबलस्पून ले ली हैं। अब हम सारी दालों को मिक्स कर लेंगे और इसे प्रेशर कुकर में डाल के अच्छे से धो लेंगे। तो हमने दालों को धो लिया है। अब हम इसमें 3-4 कटोरी पानी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार डाल देंगे। अब इसको कवर करके 15-20 मिनट पका लेंगे। तो हमने इसे 20 मिनट गला लिया है और हमारी दाल अच्छे से गल गई है। यहाँ गैस पे मैंने एक बर्तन चढ़ा लिया है और उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून पिसी हुई हींग डाल देंगे। अब हम इसमें 1 तेज पत्ता, 1 टीस्पून जीरा और 2 लौंग डाल देंगे और जीरे को चटकने देंगे। जीरा हमारा चटक गया है। अब हम इसमें 1 बड़ी प्याज काट के डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून चिली पाउडर भी डाल देंगे। अब इसके कलर को इन्हेंस करने के लिए इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। अब हम इसमें कटे हुए टमाटरों को भी डाल देंगे और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें नमक भी डाल देंगे और नमक जरा ध्यान से डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी दालों में डाल चुके हैं। तो बस नमक डाल के इसको ढक के धीमी आंच पे टमाटरों को गलने के लिए रख देंगे। तो हमने इसे 5 मिनट टमाटरों को गलने के लिए रख दिया था और टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं। तो बस अब हम अपनी दालों को इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1-2 कटोरी पानी डाल देंगे जिसमें हमारी दाल बहुत ही गाढ़ी ना रहे, बस मीडियम रहे, ना बहुत पतली ना गाढ़ी। अब मैं इसमें 1 कटी हरी मिर्च डाल ली हूँ और आप कम तीखा खाते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। अब दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने एक तड़का पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें जीरा और सूखी लाल मिर्च डाल के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसे दाल के ऊपर डाल देंगे और दाल को कवर कर देंगे जिसमें हमारी खुशबू उसमें बस जाए। और इसी के साथ हमारी पंच मील दाल तैयार है। ये प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है और ये बहुत हेल्दी होती है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।